अपनी शाम प्यारे की बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए लख दादा की जय। आज का पड़ाव चार दिन पहले, दो तीन दिन पहले फाइनल हुआ और ये सुनकर अच्छा लगा कि आप लोगों ने श्याम प्रभु का एक मंडल बनाया। आज का वार्षिकोत्सव रखा हुआ है आप लोगों ने और उससे पहले बाबा श्याम आपके गांव में आए, प्रभु की जो मर्जी होती वही होता है। बारिश ने आज बाबा को इसी चार दीवारी में विराजमान होना था, इसलिए आपके सारे इंतजाम हमारे कोई काम नहीं आए। आज भी सारे रास्ते बारिश के कारण सभी डिस्टर्ब थे और सब थके हुए थे, फिर भी आप लोगों ने जो प्रयास किया वहां से यहां ट्रांसफर करने में और सिर्फ ढोलक के ऊपर में जो कीर्तन किया, असल कीर्तन यही है प्रेमी। बोलिए खाटू नरेश की जय। अब किसी के मन में ये आ जाए कि बाबा इतना बड़ा टेंट लगाया वहां नहीं बैठे, छोटी सी गलियारी में आकर बैठ गए, तो बाबा का यही जवाब है कि मैं सबको मान देना चाहता हूं। इस गलियारे के भाग थे कि आज यहां पर बाबा बैठे। इसलिए प्रेमियों इनसे अब सिर्फ कहना है तो एक ही बात कहना है, दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ, दयालु तुम्हारी दया चाहता हूँ, दया चाहता हूँ, चरणों में थोड़ी जगह चाहता, चरणों में थोड़ी जगह चाहता हूँ, जगह चाहता हूँ।
ये चाहता है जब कीर्तन करो तो दुनिया की मत सोचो, जब कीर्तन करो तो अपनी मत सोचो, सब कुछ भूल कर मेरा कीर्तन करो, मैं तुझे याद रखूंगा। ये बाबा चाहता है पूरे हाथों को उठाकर एक माता जी अभी जाकर तेरी दया की कन्हैया।
बाबा को जानता है खाटू कौन कौन गया है? सारे गए? कौन कौन नहीं गया खाटू? कौन कौन नहीं गया? नहीं, यहीं रहते हैं आप? तीन साढ़े तीन चार घंटे लगेंगे मैक्सिमम। जाकर आओ, उसके बाद हमेशा हंसोगे। और ये भजन जो सुनाने जा रहा हूं ना, वहां जाकर आने के बाद शायद ये भाव आपके मन में भी आएंगे। क्या? श्याम कृपा से जीवन ये सुहाना होता है, खुशियां मिलती है और गम अनजाना होता है। कौन कौन मानता है? पूरे हाथ उठाना, पूरे पूरे, और तालियां बजाकर जोरदार आवाज में। शाम के पास है जीवन ये सुहाना होता है, खुशियां मिलती है और गम अनजाना होता है। शाम के पास है जीवन ये सुहाना होता है, खुशियां मिलती है और गम अनजाना होता है। We'll be right back.
Yeah.
आइए प्रेमियों, समय बहुत हो गया इसलिए चार लाइनें। बोलिए सच्चे दरबार की। ये दरबार कैसा है प्रेमियों पता है? देखिए 5 मिनट का समय और है, 5 मिनट बात मत कीजिए। ये दरबार उन लोगों के लिए एक गिफ्ट है जो हार जाते हैं, लेकिन हार कर भी उनका दिल कहता है कि तू जीतेगा क्योंकि शाम का दरवाजा अभी खुला है। इसलिए आइए प्रेमियों, जिंदगी में कितनी बड़ी लड़ाई हार जाओ, अगर ये भरोसा है ना कि शाम है मेरे साथ, आखिर में जीत आपकी होगी। इसलिए मिलकर एक साथ जोरदार आवाज में तालियां बजाकर बोलेंगे, हार के भी जो न हारे, हार के भी जो न हारे, जीत कर वो जाएगा, हार के भी जो न हारे, जीत कर वो जाएगा।
धुन के चक्कर में शायद आपने शब्दों पर ध्यान नहीं दिया हो। हमने देखा है इस दर पे आए कितने चले गए, खुद को सिकंदर जो समझते मुट्ठी में ले खा गए, निर्मल मन से जो झुकेगा शाम को पाएगा, जिसको भरोसा सांवरे का, जिसको भरोसा सांवरे का शाम सहा रास्ता भी मिल जाए, जिसको भरोसा अभी जो उदाहरण देने जा रहा हूं मैं, मुझे नहीं मालूम मुझे ये उदाहरण देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, लेकिन ये उदाहरण एक भक्त के लिए दे रहा हूं जिसका विश्वास और मजबूत करना है। इस दरबार में दो लोग ऐसे हैं एक प्रेमी ऐसा जिसके बेटा हुआ लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अंदर में उसे पैदा होते ही खत्म हो जाना चाहिए था। बड़े से बड़े एस्ट्रोलॉजर उस घड़ी को आज भी किसी को दिखाओ कि इस घड़ी इस नक्षत्र इस समय में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो वो बोलेगा ये न बच्चा जिंदा होना चाहिए न उसकी मां जिंदा होनी चाहिए। और आज के दिन में वो लड़का 23 साल का है, 24 साल का है। एक और प्रेमी इस दरबार में है जिसके बेटा हुआ और डॉक्टर ने कह दिया किडनी काम नहीं कर रही है। थोड़े दिन तक वो परेशान रहा, आखिर में सब इलाज करवा के शाम के सामने खड़ा हो गया। शाम तू जाने और तेरा काम जाने, मैं लाख डॉक्टर कर भी लूंगा तो भी रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन तेरे हाथों सौंप दिया है तो मुझे विश्वास है कि सारे डॉक्टर को झूठा साबित कर देगा तू। और आज वो भी बच्चा 5-6 साल का बाबा की कृपा से खेल रहा है। इस दरबार की खाली खासियत यही है फैमिली, थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ काम अटक जाएगा, मन में थोड़ा सा भी शंका पैदा होगी कि ये काम होगा कि नहीं होगा काम अटक जाएगा, और बिंदास अगर आंख मीच कर अगर चल पड़े, खाई भी सामने है ना, आपका कदम बढ़ेगा खाई की तरफ लेकिन दुनिया खाई में गिरेगी, आपके लिए वो खाई फटी हुई नजर आएगी क्योंकि आपने शाम पर आंख मीच कर विश्वास किया। जिसको भरोसा सांवरे का, जिसको भरोसा सांवरे का शाम सहारा वो पाएगा, हार के भी जो न हारे
जीत कर वो जाएगा, बोलो हार के भी जो ना हारे, जीत कर वो जाएगा जिसको श्याम सहारा वो पाएगा। बोलिए लखदादार की, बोल खाटू नरेश की। प्रेमी आपका, आपने जो सिर्फ दो दिन के अंदर में जो व्यवस्था की है, जो प्यार आपने बरसाया, हम श्री श्याम कला भवन आजीवन आपका ऋणी रहेंगे। आपके भावों को थैंक्स कह के छोटा नहीं करूंगा। बहुत से बच्चे मेरी उम्र से छोटे हैं और मैं शुभकामनाएं देता हूं। आपका मंडल पहला कीर्तन आज कराने जा रहे हैं, आज यानी बृहस्पतिवार, आज शाम को। आजी आपका कीर्तन नहीं, श्याम प्रभु का कीर्तन आपके दरवाजे पर, आपके गांव में धूमधाम से हो। और हेलेना गांव के अंदर में, हर घर में श्याम नाम की जोत जगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि मैंने देखा 2 किलोमीटर दूर मैंने आप लोगों का जुनून देखा। प्रेमियों, बाबा तो आ गए, मंडल बना है, बस समर्पण भाव रखना। ये मत सोचना कि मंडल में मैं बड़ा हूं, मैंने इतना कुछ कर दिया, मैंने इतनी मेहनत कर दी, मैंने इतना पैसा लगा दिया। न तो आपका पैसा लग रहा है, ना आपकी मेहनत लग रही है, बाबा की कृपा लग रही है। इस कृपा को सजो कर रखना। कोई बड़ा बनना चाहे ना, कोई बोले मैं प्रेसिडेंट बनूंगा, बना दो। हम तो मोदी जी की तरह प्रधान सेवक बनना पसंद करेंगे, है ना? हमेशा मंडल। आइए थोड़ा सा दो लाइन, चूंकि आज हमारे देश ने गौरव प्राप्त किए हैं, देश के शहीदों की दुश्मनों का नाश करने वाले की, दुनिया ने समझ लिया हिंदुस्तान तो भ्रष्टाचार का गढ़ है। ये आपस में ही लड़ मरेंगे, यहां पर तो कोई फौलाद का पैदा हुआ ही नहीं। लेकिन कसम भारत माता की, ये देश का सौभाग्य है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के बाद हमारे मोदी साहब कोई उन पर उंगली उठाए उससे पहले उनका बैकग्राउंड चेक करना। कोई कितना ही बड़ा आदमी हो, उसकी दौलत से उसको मत आंकना, उसकी नीयत से उसको आंकना। कितना ही बड़ा कोई हो, उसकी नीयत से आंकना। जिस प्रधानमंत्री, जो 5 साल प्रधानमंत्री रह चुका और जो 12 साल एक राज्य का सीएम रह चुका, 17 साल एक राजा होने के बाद भी जिसकी मां 10x10 के कमरे में, आपकी खाट से भी बदतर हालत में उनकी खाट है, लेकिन फिर भी वो जीवन व्यापन कर रही है। जिसका भाई आज भी एक क्लर्क है,
वरना आजकल तो काउंसिलर बनते ही करोड़ों अरबों के बंगले हो जाते हैं। लेकिन प्रधानमंत्री होने के बावजूद भी जिसका भाई आज भी एक क्लर्क है, उसके नियत पर क्या संग उठा सकते हैं? किसके लिए? वो चाहता तो अपनी माँ को भी अमेरिका ले जाकर इलाज करा सकता था, लेकिन आज भी उनकी माँ टैक्सी के अंदर में डॉक्टर को दिखाने जाती है, आज भी। तो प्रेमियों, सोचना आपको और हमको है। आइए, आज हमारे देश का जो गौरव हुआ उसमें हमारे मोदी जी का बहुत बड़ा हाथ है, और उन्होंने दिखा दिया दुनिया को कि हिंदुस्तान को कमजोर आंकने की कमी गलती कभी भी मत करना, क्योंकि जब जीरो दिया मेरे भारत ने, भारत ने मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, आरव की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, ये ताना दशमलव भारत को यूं चांद पे जाना मुश्किल था, धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था, सभ्यता जहां पहले आई पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत तो भारत है जिसके पीछे ये संसार चला, संसार चला और आगे बढ़ा, ये आगे बढ़ा बढ़ता ही गया, भगवान करे और बढ़े बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले, बढ़ता ही रहे और फूले फले। दोनों हाथों को उठाकर तालियां बजाकर बोलेंगे भारत का रहने वाला।
नेशनल एंथम के लिए सारे जहां से अच्छा हम बुलबुले हैं इनकी ये गुलसिता हमारा। देश प्रेम अगर दिल में है उसके बाद कुछ कोई और नंबर आता है। सबसे पहले हमारी मां हमारा देश उसके बाद और कुछ आता है। इसलिए प्रेमियों देश की बात आए ना तो देश की सोचना। कोई भी कंट्रीब्यूशन देश के लिए करना पड़े हम तैयार रहें। हमारे जवानों के लिए हम सभी एक अरदास अपने मंदिर में रोज पूजा करते हैं ना, अब से एक अरदास एक सेकंड की रोज हमारे जवानों के लिए भी किया करो कि हमारे जवान सरहदों पर डट कर रहे और कोई माँ की गोद सूनी ना हो, किसी बहन का सिंदूर ना उजड़े, कोई बच्चा अनाथ ना हो। ये अरदास रोज करना हमारी माँ हमारा भारत हमेशा सुरक्षित रहेगा। बोल सांचे दरबार की। देखिए बाबा की आरती करेंगे बोले भारत माता। हाँ, लेकिन उसके पहले आज की जो व्यवस्था श्री द्वारका प्रसाद जी और ओम प्रकाश जी ने की है इसके लिए श्री श्याम कला भवन की तरफ से एक बाबा का शॉल और एक बाबा का प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे हमारे परम आदरणीय पुरुषोत्तम जी। खाटू धाम से पधारे हैं, खाटू धाम से कलकत्ता आए, कल खाटू धाम बिराजते हैं, खाटू से कलकत्ता आए और कलकत्ता से पैदल निशान लेकर चल रहे हैं। हजारों भक्तों के अरदास करते हैं अर्जी लगाते हैं। आज ये हमारा सौभाग्य कि हमारे साथ है। मैं द्वारका प्रसाद जी और ओम प्रकाश जी से निवेदन करूंगा कृपया दरबार में पधारें और भैया जी से निवेदन करूंगा कि कृपया वो शॉल उठाकर और एक सम्मान का प्रतीक चिन्ह प्रदान करके सामूहिक रूप से प्रतीक चिन्ह प्रदान करेंगे। और आइए हमारे मोनू भैया, इनकी एनिवर्सरी है इसलिए एक केक का इन्होंने वो रखा है। आइए आइए सब पहले बार बार देनी है बार बार दिन ये आए बार बार दिल ये गाए बार बार दिल ये आए बार बार दिल
और बाबा की आरती करेंगे सारे मिलकर, कोई नहीं जाएगा, सारे मिलकर आरती करेंगे बैठकर।
जी महाराज की जय। बोले पितर जी महाराज की जय। बोले सियावर।